नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं कौन सा गाँव कही ग्राम सैफपुर सैफपुर गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र सिंह है, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। गांव का नाम सैफपुर है, पोस्ट भी तहसील अखरौली जिला। हाँ, तो प्रधान जी आप गांव विकास के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं? हम गांव के विकास में यह कहना चाहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य है वो हमारा संपूर्ण गांव का विकास कराना है। जैसे एक समुचित गांव में नरेगा से सारे लोगों को बुलवाना। तो मनरेगा का क्या क्या कराया? मनरेगा के हमने सारे सबलोग करा दिए, जैसे बुद्ध पास पार्क से लेकर प्रेमपाल के खेत तक, मुकेश के खेत से लेकर पंडित दीनदयाल फल उद्यान तक, और पंडित दीनदयाल फल उद्यान से लेकर दुर्गा प्रसाद के केक तक, पक्की सड़क तक। पंचायत भवन है प्रधान जी? पंचायत भवन पर हमारा कार्य चल रहा है, संपन्न रहा है। अच्छा, कितना बन चुका है? आधे से ज्यादा बन गया है। क्या तो काम बाकी रह गया है? अभी उसका लेंटर बनना बाकी रह गया है और उसको प्लास्टर होगा, फिनिशिंग बाकी रहेगी, तेल वगैरह लगा। आंगनबाड़ी हमारे यहाँ मौजूद है, जो अच्छा कार्य कर रही है। आंगनबाड़ी में बच्चों को राशन वगैरह टाइम पर मिलता है? बच्चों को आंगनबाड़ी में नहीं मिलता, महिलाओं को मिलता है। मेरे हिसाब से आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए आता है ना राशन? हाँ, पर आता है तो मेरे सामने वाले को भी बांटा है। नहीं, हर आंगनबाड़ी में मिल रहा है बच्चों को रिफाइंड दाल और जो तो आपने कभी पूछा नहीं? बता रही है, वो लोग आते नहीं, हम बताते नहीं क्या आया क्या नहीं आया, उसके बारे में बता दूँ। तो प्रधान जी यही मैं कहना चाह रही हूँ, आप वो प्रधान पद पर है, आपकी जिम्मेदारी है। जब भी मीटिंग होती है हमारी, हम उनको बुलाते हैं तो हमारे यहाँ आते नहीं है। नहीं, तो ये तो गलत है, वो नहीं आती है। अब आपने हमें बताया तो हम उन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन बट उनको आपकी बात माननी चाहिए और जो बच्चों का है उनको जाना चाहिए। हमारे गांव में 3-4 लोग बात नहीं मानते हैं। नंबर एक यहाँ की जो एलम बोल, क्या बोलते हैं, एलम नहीं मानती है। दो एलम है और आंगनबाड़ी हमारी बात कर रही है। एक का तो नाम है प्रीति और दूसरी का क्या नाम है, जो जाट समाज के हैं तो पता नहीं है। अच्छा, तो ये आंगनबाड़ी तो चल रही है लेकिन बच्चों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हाँ, कम मिल रही है। कम मिल रही है, आपको पता ही नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। जानकारी दीजिए और फिर पास जाना, वो मेरे पास वो मैं जाऊँगा बिल्कुल तो नहीं मिलेगा। आप हमें बताइए आंगनबाड़ी कहाँ है, हम वहाँ मिलेंगे जाकर। आंगनबाड़ी अगर हम चाह रहे हैं तो पास से चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हाँ, कम मिल रही, आपको पता ही नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। आप जानकारी कीजिए और फिर आगे सर बताइए। जानकारी तो मैं जरूर उनके पास जाना, वो मेरे पास वो मैं जाऊँगा बिल्कुल तो नहीं। आप हमें बताइए आंगनबाड़ी कहाँ है, हम वहाँ मिलेंगे जाकर। जी जी, आंगनबाड़ी अगर हम चाह रहे हैं तो कल उनके पास से बात कर सकते हैं। ना ही कोई हमारी जरूरत पड़ती है, कभी किसी भी कार्य से उत्साह नहीं करते। अगर बांटते हैं तो हमारा किसी कागज की लगती हो जाएगी। उन्होंने आज तक जो 6 महीने की जुर्माने में उन्होंने कोई दस्तर मौत कोई कर दिया है, न प्रीति ने, न दोनों आंगनबाड़ियों में, एक आंगनबाड़ी और दो जो तीन है वो भी उन्होंने। हमारे यहाँ स्कूल प्राइमरी पाठशाला है जो बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है, आपको वहाँ पर देख सकते हैं। गाँव वालों ने हमें पूरी मात्रा में भरपूर मात्रा में वोट दिए, जैसे कौन से वोट से हम गाँव में जुड़े हुए और गांव के लोगों के सपनों को हम साकार कर पूरा करा रहे हैं। कुल जनसंख्या हमारे यहाँ की करीब 2500 है और जो वोट हैं हमारे यहाँ के वो 1180 है, जो वोट पढ़ने वाले हैं 940। महिला की जनसंख्या करीब रेशी बताता हूँ, लगभग 900 की होगी। बच्चों की होगी करीब 500 करीब। हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो लोग हमारे बुलावे से नहीं आते और ना ही हमें बुलाते क्योंकि हमें क्या जाता है, और उनसे कहते हैं तो दिखाते नहीं, महिला है क्योंकि ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे गांव का पूरा समुचित विकास हो रहा है, सारी नरेगा पड़ रहे हैं। गाँव में 2 बार हमने पूरे गाँव में छिड़काव करा दिया है, जो डेंगू चल रहा है उसकी दवाई डलवा दी है, और जो घास है उसको हमने मुर्गी डलवा दी है। हाँ, डेंगू के ऊपर सारे फैसिलिटी साहब को बुला के, सारे सदस्यों को बुला के बैठती थी और मिलती है और सारे लोगों को हाँ सब समझा दिया, और ये दवाई पड़ी हुई है रखी है सारे सारे गांव में लगाने के लिए, दवाई रखी हुई है पूरे गांव में, सुखा दी और सुखवा दी। हाँ, तो प्रधान जी ये बताइए, भेदभाव
वृद्धा पेंशन हम लोग 12 लोगों को करवा चुके हैं कर्मचारी 32 लोग। बट अभी तक जो आपके गांव में विकास चल रहा है अच्छा चल रहा है, बट आंगनवाड़ी को हटाकर। आंगनवाड़ी की समस्या ये है कि वो हमारे बुलाने से आती नहीं, हमको बुलाते हैं, रिपोर्ट दिखाती नहीं, तो जानकारी कैसे होगी? तो हम तो बात कर सकते हैं ना। आप बात कर सकते हैं, आपसे आप जाकर उनसे बात करिए, प्रधान जी आपको कोई जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। अगर आप बात की है तो कागज में कोई मोहर लगती है कि नहीं लगती प्रधान जी? तो बिना प्रधान जी आपको सपोर्ट किया, इतना समझा, तो आपने गांव वालों के बारे में और क्या सोचा है? गांव के बारे में सोचा है और सारे लोगों को हाँ सब समझा दिया, और ये दवाई पड़ी हुई है रखी है सारे उसमें सारे गाँव में लगाने के लिए दवाई रखी हुई है पूरे गाँव में चला गई और सुखवा गई। हाँ तो प्रधान जी ये बताइए विधवा पेंशन हम लोग 12 लोगों को करवा चुके हैं कर्मचारी, 32 लोग। अभी तक जो आपके गांव में विकास चल रहा है अच्छा चल रहा है, बट आंगनवाड़ी को हटाकर। आंगनवाड़ी की समस्या ये है कि वो हमारे बुलाने से आती नहीं, हमको बुलाते हैं, रिपोर्ट दिखाती नहीं, तो जानकारी कैसे होगी? तो हम तो बात कर सकते हैं ना। आप बात कर सकते हैं, आपसे फोन करें, आप जाकर उनसे बात करिए, प्रधान जी आपको कोई जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। अगर आप बात की है तो कागज में कोई मोहर लगती है कि नहीं लगती प्रधान जी? तो बिना प्रधान जी गांव वालों ने आपको सपोर्ट किया, इतना समझा, तो आपने गांव वालों के बारे में और क्या सोचा है? गांव के बारे में सोचा है हर गांव की हर गली पक्की होनी चाहिए, सीमेंट पर हर लटके के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, गाँव में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए, गाँव में कहीं भी पीछे नहीं लगनी चाहिए, गाँव एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आप जुड़ गएंगे साकार करने के लिए? हाँ, ये मेरा सपना है, लोग कराते हैं, मैं खुली आंखों से देखना चाहता हूँ स्वच्छ भारत साफ स्वच्छ भारत जो जो महात्मा गांधी जी का है, वही मेरा सपना है, एकदम गांव स्वच्छ साफ सुथरा क्लीन। तो प्रधान जी आपकी सोच तो बहुत अच्छी है और जी उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही काम लोग करने नहीं देते लोग। तो प्रधान जी जहां हमको की जरूरत पड़े हमसे सपोर्ट कीजिए और पूरे आप भी देखिए। अभी मैं नरेगा डलवा रहा था जी, गांव के चार लोग, नंबर एक संजय सिंह समाप्ति मैंने, दूसरे हैं हरिओम सिंह सनौत्री, हरिंदी पिताजी के नाम मोहन सिंह, जगवीर सिंह सनौत रामस्वरूप सिंह, ये लोग उन्होंने मौके पर आकर रास्ता ही निकाल लिया। क्या बोल रहे थे ये लोग? ये कह रहे थे कि ये जो रास्ता है हमारी जो जमीन है इसमें से जा रही है, हमने जो बैनामा कराया नहीं, आपने जो बैनामा कराया वो खेत का कराया ना रास्ते का, आप रास्ता नहीं रोक सकते। सरकारी काम में बाधा डालते हैं। इस बारे में आपने किसी से विचार करा? मैंने विचार किया है, एसओ साहब को लिख के दे के आया था। एसओ साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा कल शनिवार आया था, सारे लोग मीटिंग होगी शनिवार में, सेकंड दिवस रखता है, लेखपाल कानून से यही मिलेंगे और आपकी समस्या को मौके पर जाके निपटा। यही कहना चाहेंगे कि सारे लोग गाँव में सही तरह से रहें और हमें सही तरह से काम करने दें, हमारे गाँव में बाधा डालें, जब बाधा डालेंगे तो गाँव का विकास नहीं होगा, हमारा सहयोग करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।